एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सभी के साथ में बहुत ही अफोर्डेबल स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि होंगे अंडर ₹100। एंड अंडर ₹100 का मतलब ये नहीं है कि इनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार होगी या फिर ऐसे ही कोई ब्रांड के होंगे जो कि अननोन से हो या फिर रैंडम से कोई ब्रांड के हों। ये सारे ही बहुत ही अच्छा वर्क करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। सो यस, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो फेस वॉश के लिए मेरे पास है ये बायोटिक का बायोनीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश। दिस इज अ रियली नाइस फेस वॉश फॉर यू नो एवरी स्किन टाइप आउट देयर। आई एम फ्रॉम ड्राई स्किन टाइप बट यू नो दिस वर्क्स रियली ग्रेट फॉर मी ऑल्सो। एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करने वाला प्रोडक्ट है। एंड दिस रिटेल्स फॉर ओनली ₹65। एंड दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट। इसका कोई बड़ा पैकेजिंग भी आता है, ये 50 ml का पैकेजिंग है, आई गेस 50 ml का पैकेजिंग है। एंड इसकी बड़ी पैकेजिंग भी आती है। अगर आपको एक बजट के अंदर फेस वॉश चाहिए सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फेस वॉश एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। टोनर के लिए मेरे पास है यहाँ पे ये पतंजलि का रोज वाटर। एंड दिस इज लाइक माय होली ग्रेल प्रोडक्ट। दिस इज अ रियली नाइस रोज वाटर। ये 100% रोज वाटर होता है। सो यस, अगर आप कोई टोनर यूज नहीं करते हैं सो स्टार्ट कर दीजिए आप रोज वाटर यूज करना एज अ टोनर एंड यू विल लव योर स्किन आफ्टर स्प्रिट्सिंग इट ऑल ओवर योर फेस। सो यस, आई यूज इट लाइक दिस। एक मैं स्प्रे बॉटल में इसे फिल कर ली हूँ। ये भी एक टोनर का ही स्प्रे बॉटल था, सो मेरे पास ये एम्प्टी पड़ा हुआ था। सो यस, मैं इसमें ये फिल कर ली हूँ, हाफ तक के मैं इसे फिल कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे पूरे फेस पे स्प्रिट्स कर लेती हूँ जब भी मैं फेस वॉश करके आती हूँ। एंड जो पूरा ड्राइनेस रहता है वो एकदम इंस्टेंटली चला जाता है। एंड इट्स लाइक 100% रोज वाटर। एंड 120 ml ऑफ दिस बॉटल रिटेल्स फॉर ओनली ₹28, विच इज लाइक हेल अफोर्डेबल। यू कैन definitely get this if you want to use a toner and you are a beginner. So yes, you can buy this and use it as a toner. And now comes the third step in which you have to moisturize your skin very well. So for that I have this Pond's ka moisturizer. This is light moisturizer, non-oily fresh feel. So yes, agar aap oily skin wale ho, you can definitely give this a try. This is a really nice moisturizer and by the way it retails for only rupees By the way, it retails for only ₹40 and you get 25 ml or 24 grams of product. And इसका बड़ा बड़ा packaging भी आता है, like ₹100, 200 ऐसा ऐसा भी packaging आता है, I guess. So अगर आप चाहते हैं try करना सिर्फ तो आप ये छोटा packaging ले सकते हैं and उसके बाद अगर आपको ये suit कर जाता है, अच्छा लगता है, then you can buy its full size. Okay, so moisturizer के बाद एक और step मैं add कर रही हूँ. So for that I have this Patanjali का aloe vera gel. So yes, इसको आप multi-purpose way में use कर सकते हैं, अपने यू नो हेयर के लिए यूज कर सकते हैं, अपने फेस पे लगा सकते हैं आप. सो आई एम यूजिंग इट ओवर दिस मॉइस्चराइजर, ओवर ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर मैं इसे यूज कर रही हूँ. एंड ये जो है ना, आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, अपना जो भी स्किन केयर रूटीन है उसके बाद अगर आप इसको लगा लेते हैं देन यू विल वेकअप विद अ बेबी फेस. बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एंड सपल बना देता है आपकी स्किन को. सो यस, डेफिनेटली आप इस फेस्टिव सीजन इस हैक को जरूर ट्राई करके देखना. इसका 150 ml का पैकेजिंग रिटेल करता है ₹90 का. एक स्मॉलर ट्यूब भी आता है विच यू कैन बाय एंड ट्राई. ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बहुत ही यू नो अफोर्डेबल इसलिए शो कर रही हूँ कि अगर आप कोई बिगिनर है एंड यू वांट टू यू नो स्टार्ट विथ योर स्किन केयर और यू नो स्टार्ट विथ योर मेकअप, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दीज प्रोडक्ट्स. अपने फेस को तो अच्छे से पैम्पर कर लिया है, अब बारी आती है लिप्स की. सो लिप्स के लिए मेरे पास है यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल येट बहुत ही रिच लिप बाम. सो दिस इज ब्लू हेवन का लिप बॉम इन द वेरिएंट स्ट्रॉबेरी. ये ₹85 का रिटेल तो करता है बट आपको ये हर यू नो वेबसाइट पे बहुत ही अफोर्डेबल लाइक 60-70 तक आराम से मिल जाएगा आपको. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वायम का ऑलिव ऑयल 100% प्योर, जो कोल्ड प्रेस कैरियर ऑयल होता है इनका वो. ये मैंने बहुत पहले परचेज किया था और मैं इससे बहुत अलग अलग वेज में यूज करती रहती हूँ. सो वन ऑफ द वेज इन विच आई यूज दिस इज लाइक एन अंडर आई ऑयल. अंडर आई जेल के तौर पे या फिर अंडर आई क्रीम के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं. ऑलिव ऑयल वर्क्स रियली नाइस फॉर योर अंडर आईज यू नो. सो यू कैन बाय दिस एंड यू कैन ट्राई दिस. रिटेल्स ओनली फॉर ₹115. आई नो ये ₹15 ज्यादा का है बट आपको ये हमेशा ही डिस्काउंट पे मिल जाएगा. सो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आर प्रीटी मच डन एंड मेकअप के कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास. सो यस, आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस. फर्स्टली तो है
है ये पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। ये इसका छोटा पैकेजिंग है एंड ये दो और पैकेजिंग्स में आता है। सो अगर आप ज्यादा मेकअप नहीं करते हैं और आप बस फेस्टिव सीजन के लिए थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहते हैं सो यू कैन बाय दिस छोटा वाला पैकेजिंग इसका। और मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप कोई दूसरा सीसी क्रीम ट्राई करिए क्योंकि आई हैव ट्राइड सो मेनी बीबी सीसी क्रीम्स बट आई जस्ट गेट बैक टू दिस प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन क्योंकि मुझे किसी का फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं लगता, किसी का शेड अच्छा नहीं लगता। आई नो इसमें शेड रेंज बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही शेड्स आते हैं बट अगर आप मीडियम डस्क की स्किन टोन के हैं सो आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से सूट करने वाला है। आप इसे लाइट कवरेज तक के भी बिल्ड कर सकते हैं एंड अगर आपको थोड़ा चाहिए कि थोड़ा ये मीडियम टू फुल कवरेज दे तो आप इसे मीडियम टू फुल कवरेज तक के भी बिल्ड कर सकते हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाई है सो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। आप इसे कंसीलर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, कंसीलर के जैसे भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, लाइक 20 सेकेंड आप वेट कर लीजिए, उसके बाद ब्लेंड करिए, इट विल वर्क फैब्यूलस। दिस इज 9 ग्राम्स का पैकेजिंग जो कि रिटेल करता है 67 रुपीज का। आई नो थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है इधर उधर, सो आप देख सकते हैं अभी आई नो कि ये तो डेफिनेटली आपको 100 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। एंड नाउ आई हैव अ लूज पाउडर टू सेट योर बेस, सो दिस इज द ब्लू हेवन ट्रांसलूसेंट पाउडर, सेफायर ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो इसका जो प्राइस होगा ना वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर इट्स एग्जैक्ट प्राइस, बट क्या है कि ये मैंने 100 रुपीज के अंदर ही परचेज किया था और ये 100 रुपीज के अंदर ही रिटेल करता है। आई नो शायद 80 to 85 रुपीज के अराउंड है इसका प्राइस। सो यस दिस इज अ रियली नाइस लूज पाउडर। आपको आपको जरूरी नहीं कि आप इसे हमेशा फंक्शन के टाइम पे ही यूज करें, कुछ मेकअप करें तभी यूज करें। आप इसे ऐसे ही लगा के जा सकते हैं, बेयर फेस भी आप इसे वियर कर सकते हैं। इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज और ये आपके मेकअप को आपके जो ऑयली फेस है उसको बहुत अच्छे से मैट बना देता है। आप इधर पे देख सक रहे होंगे क्योंकि क्या है कि जब आप मेकअप करते हैं सो वो थोड़ा ड्यूई सा दिखते रहता है एंड क्रीज भी हो जाता है, बट अगर आप इसे सेट कर लेंगे इट विल लॉक योर मेकअप। और आप देख सकते होंगे कितने अच्छे से एक साइड को मेरे फेस के बहुत अच्छे से मैटिफाई कर दिया है इसने एंड एक साइड आपको ड्यूई फिनिश दिख रहा होगा। सो यस दिस पाउडर इज रियली ग्रेट। अब ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर आप कभी कभी मेकअप करते होंगे सो आप इतना ज्यादा प्राइजी प्रोडक्ट्स लेना नहीं चाहते होंगे ऑब्वियसली क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं होंगे एंड इट विल गेट एक्सपायर्ड। सो यस दीज अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स कैन मेक यू लुक लाइक अ डीवा, सो आपको ज्यादा मनी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, इट्स देयर नॉन ट्रांसफर लिप कलर इन द शेड कॉफी कमांड 11 एंड this is a really nice brown shade which I am wearing right now and I am sharing this shade particularly because जब festivities होती है ना तो अगर आप कोई neutral सा eye look कर रहे हैं या फिर eye look अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगर आप एक bold lipstick लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा put together सा look आ जाता है आपका। so yes I am sharing this shade coffee command and it retails for only ₹80। उसके बाद next again मेरे पास है inside cosmetics का ही, this is not a lipstick, this is a lip gloss. This is long wear color rich lip gloss in the shade 13 temptation. This is a really nice lip gloss. इसका जो shade है ना ये बहुत ही अच्छा brownish type का shade है with some pink undertones जो कि बहुत अच्छा दिखता है और आज मैंने इसे ही अपने eye gloss की जैसे use किया है। अगर आप कोई eye makeup नहीं करना चाहते ना तो you can use a gloss on your eyelids and it will look very nice and very glam. ऐसा नहीं कि affordable है तो ये pigmented नहीं होगा, this is a really nice and pigmented lip gloss. ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज एन आईब्रो प्रोडक्ट जो कि आप देख सकते हो इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। सो द स्विस ब्यूटी आईब्रो प्रोडक्ट ये ब्राउन डार्क ब्राउन शेड में है एंड मैंने इसे बहुत पहले लोकल मार्केट से परचेज किया था जब मैंने शुरू मेकअप स्टार्ट किया था और मैं जितना भी आईब्रो प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ मैं हमेशा इस पे वापस आ जाती हूँ क्योंकि दिस इज वेरी वेरी हैंडी। सो आई ऑलवेज यूज दिस टू डू माई आईब्रोज, टू फिल माई आईब्रोज और इसमें एक अंदर ऐसे पेंसिल मिल जाता है जो कि आपको बार बार शार्प करना पड़ता है बट एक बार शार्प करने के बाद आप इसे 2-3 बार यूज कर सकते हो एंड इट रिटेल्स ओनली फॉर ₹65। जब मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज किया था तब स्विस ब्यूटी उतना अच्छा वेल नोन ब्रांड नहीं था, सो यस तब ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज में मिल गई थी बट अभी भी ये 100 रुपीज एक्सीड नहीं किया है इसने एंड ये अभी भी आपको 65 रुपीज के अराउंड 60 to 65 रुपीज के अराउंड आपको आराम से मिल जाएगी। अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाता है तो इट्स
रियली नाइस. सो यस, आप इसे ब्लाइंडली ले सकते हैं, यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस आई लाइनर. दिस इज ब्लू हेवन का गेट बोल्ड आई लाइनर वाटर प्रूफ, ऐसा लिखा हुआ है, इन द शेड ब्लैक डायमंड. इसका पैकेजिंग जो है ना, ये चेंज हो चुका है, पहले ये दूसरी पैकेजिंग में आता था. एंड दिस इज फॉर 60 rupees. एंड ब्लू हेवन का एक और आई लाइनर आता है एंड एक और मस्कारा भी आता है, बट दैट इज शिट. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसका फॉर्मूला एंड ऑल, बट दिस आई लाइनर इज लाइक माई होली ग्रेल प्रोडक्ट. मैं हमेशा, मतलब इसको स्कूल टाइम से लेके स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम एंड यू नो कॉलेज टाइम के बाद भी, सो मैं इससे मतलब हमेशा ही यूज़ करती थी. बट मेरे पास ये ख़त्म हो चुका था, आई थिंक कोरोना के टाइम्स में ये ख़त्म हो गया था मेरा. उसके बाद मैंने इसे लिया ही नहीं, परचेज ही नहीं किया. और आजकल यू नो आई लाइनर मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, बस मेकअप लुक वगैरह जब क्रिएट करती हूँ ना, तभी मोस्टली मुझे ज़रूरत पड़ती है. अगर उस लुक में ज़रूरत हुई तभी मैं यूज़ करती हूँ. सो यस, मैं इसलिए ज़्यादा आई लाइनर मैं आजकल लगा नहीं रही थी, तो इसीलिए मैं इसे परचेज भी नहीं कर रही थी. बट मुझे जैसे ही अभी याद आया कि नहीं यार, आई हैव टू गेट दिस, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं मुझे लेना ही है. सो यस, मैंने इसे ऑफलाइन ही परचेज कर लिया था, ये मुझे मिल गया था एंड दिस इज फॉर 60 rupees. और मुझे 60 rupees में ही मिला, क्योंकि ऑफलाइन कुछ ऐसा डिस्काउंट कहीं मिलता नहीं है. जो थोड़े अफोर्डेबल टाइप के आईलाइनर होते हैं वो थोड़े शाइनी शाइनी ग्लॉसी ग्लॉसी से होते हैं, एंड आई हेट दैट थिंग. बहुत ही घटिया लगता है मुझे वो जो ग्लॉसी ग्लॉसी सा आईलाइनर दिखते रहता है. सो यस, दिस इज अ रियली नाइस मैट आईलाइनर. ये अभी गीला है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ी देर बाद सूख जाएगा एंड इट विल टर्न टोटली मैट. और इससे आप थोड़ा मोटा विंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, पतला विंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, पतला लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो इसका जो टिप है बहुत ही अच्छा है. यू कैन बाय दिस आईलाइनर अगर आपको यू नो ज्यादा कुछ आई मेकअप पसंद नहीं, बट यू लव टू वियर आईलाइनर समटाइम्स. सो यस, दिस वाज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो. आई होप आप सभी को पसंद आया होगा. ये पूरा लुक मैंने इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके यू नो क्रिएट किया है. कुछ मैंने यू नो इयररिंग वगैरह पहन ली, ड्रेस चेंज कर लिया. सो यस, यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक अगर आपको ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, बट फेस्टिव सीजन में आपको मेकअप वेकअप करना अच्छा लगता है. सो यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स एंड आपका काम आराम से चल जाने वाला है. सो यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड या, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.